वो एक बंदा एक गाय के ऊपर वीडियो बना रहा है, मैंने ये पंजाब से लाया, वो सेवा उसकी है नहीं, वो सब पंजाब वालों को बदनाम कर रहा था। वो मैंने कहा पंजाब वाले की क्या गलती है, सोच एक लिया ना, बंदे का साथ में नाम ले रहा है सोच वो लिया। जय हिंद डेयरी का। दोस्तों, ये चन्ना डेयरी है, हबोवाल लुधियाना पंजाब में है। रोहित जी हैं और ये इनके पिताजी हैं रमेश, जिनके संरक्षण में इनका ये पुश्तैनी काम है। और आज सज्जन उत्तर प्रदेश बनारस से हैं। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम बचाऊ सिंह है। बचाऊ सिंह के नाम से सब बनारस में हमको जानते हैं। हम बनारस से यहाँ पे आए हैं। और पहली बार आए? नहीं, एक बार तो पंजाब में आया था, जो है बहुत पहले, जो है 15-20 साल पहले, जो है अच्छा, 15-20 साल पहले। पहले। तो एक विनीत पाठक है, जो है हमारे यहाँ कम से कम 80-100 गाय रखे हुए हैं। आए थे पिछली बार? वो पिछली बार आए थे, 22 गाय लेकर गए थे यहाँ से। तो जी, हमारा उनका संबंध था घरेलू, अच्छा। तो हमारा उनका बातचीत हुआ जो है। तो हम कहे भाई, हम भी डेयरी खोलना चाहते हैं। हाँ, तो पाठक जी के कहाँ? हाँ, साथ आए जो है यहाँ पे, और चन्ना डेयरी फार्म में यहाँ लेकर आए। हमारे भाई साहब जो है जा करके अपना गैया जो है सब अच्छी अच्छी जो है दिलवाए, जो हमको अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी है, व्यवहार अच्छा, वो बहुत व्यवहार अच्छा है। ऐसा तो नहीं कि मीठी छुरी लूटने नहीं नहीं वाला। नहीं नहीं ये सब बातें नहीं है। इनके पिताजी भी बहुत अच्छे हैं, और ये उनकी तो भी, हम भी भरते हैं, हाँ ये भी बहुत ही अच्छे हैं। इसके ही भर दें। आप हाँ कहते हो तो भर देते नहीं हैं। नहीं एकदम भर दीजिए, मतलब मैं कह ठीक दे है, रहा, भर दीजिए। अब इसकी बुराई हम नहीं करेंगे। मतलब कि हमको बनारस से जो भी गाय लेने की जो बात कहेगा, जो है जो फैसिलिटी, जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा चन्ना डेयरी से हमारे भाई साहब ने हमको दिया जो है, ये बड़ा मुश्किल है कि कोई दे दे। कितनी गाय ली है आपने? तो मैंने 10 गाय ली है जो है। कितना खर्चा आया? खर्चा तो मेरा 12 लाख रुपया है, मतलब 10 गाय पे हाँ ट्रक वरक भाड़ा वाला ट्रक लेकर का के। भाड़ा कितना लगा? भाड़ा भाड़ा जो है 70,000 रुपये 17,000। जी। अच्छा रोहित, ये पहली जो गाय घुमाई, ये तो ज्यादा बुढ़ी है? बुढ़ी नहीं अंकल, तीसरे ब्याह में है, तीसरे तीसरे में है। में है, बोल के लेके दी है इनको हाँ तीसरे ब्याह में। तो ऑर्डर बहुत नीचे जा रहा। ऑर्डर अभी तैयारी पे आ रहा है जी, अभी 2-4-5 दिन लगी। दूसरे हाँ बेतर में उसने दूध निकाला हुआ, मालिक ने बोला फार्म से गाय ली है, हाँ 30 लीटर बोला है। हमने तुम्हारा क्या अंदाजा? अब तीसरे ब्याह में भी यही 30 से 35 लीटर माली मान के ली है जी। बच्चों से ये आप क्या कहते हैं? मेरा भी तो माना यही है कि मतलब ये 35 लीटर 30 लीटर दूध देगी। दे दे जी तो क्या दाम लगाया इसका? ये लिए जी 1,07,000 की, 1,07,000 की। 7,000 तो सींगों वाली है? सींग, वो सींग दूसरे वाले नहीं है, हाँ बड़े वाले, ये हाँ छोटे सींग जिसको बोल देते हैं वो चीज है। गाय बहुत भारी है शरीर से, जिसने पाली हुई है वो खर्चे ही कम से कम उसने 1 लाख से ऊपर कर दिया वो फार्म वाले। कितना दूध दे देगी आपके हिसाब से? पैंतीस ये भी तो 35 का अंजाद है, हम हमको जो है तक 35 कितना 35 समय बाकी इसका? ये 15 दिन में बच्चा दे देगी, 15-20 दिन में। 15-20 दिन। लेकिन बड़ी सीधी है। बहुत सीधी है और पली बड़ी है जी। अभी उसने 25 दिन बोले, हम गाड़ी में जाती है हिलती जुलती, 20 दिन मान के चलो, 15 से 20 दिन ले जाएगी दूध। पहले ब्याह में 6 दांत है मुँह से, दूसरे ब्याह में, पहले हाँ ब्याह में उसने मालिक ने जहाँ से ली है ना, हाँ वो डेयरी वाला था, फार्म नहीं था बहुत बड़ा जैसे बोल दे, 15-20 गायें बच्ची हुआ रखी हुई पहली, थी, छोटा फार्म था। छोटा फार्म था, पूरी पली हुई गाय थी क्या उसके दाम पास। लगाया फिर? ये 1,05,000 आठ की नहीं, ली। 1,05,000 की, हाँ जी, 35 लीटर वाली, 35 लीटर और वो वाली, 1 लाख की, तो 1,07,000 की ली है। वो वो महंगी है। कोई ऊपर नीचे तो ऐसे वो नहीं है जी, सस्ती चाहिए थी इससे। जहां से ली है जी वो, ये सस्ती मिल गई ये ये बच्चों से समझो। पहली बार आए इसलिए तुमने कर दी। पहली बार आए चाहे दूसरी बार आए, अब जो रेट आप पिछली बार भी वीडियो बना के गए हो पाठक जी की, हाँ उन्होंने भी गाय ली, आपने देखी है गाय, वो पाठी का जो फोन आ गया।
पाठक जी साथ में आए थे, फोन क्या आना है जी, उन्होंने सारी सही पहुंच गई, सारी एकदम बिल्कुल लाइन पर है, बिल्कुल लाइन पे है। जो उनके साथ में आए थे 11 गायें लेके, उन्होंने क्रॉस ब्रीड वाली ली थी, 90-95-80 के भाव की ली थी गाय। उनका फोन आया, सब गायों ने बछड़ी दी 11 की 11 ने। सेक्सुअल लगा था क्या? सेक्सुअल सीमन लगा था, मैं मानता नहीं था उन गायों को। रोहित ये बताओ कि ये तो कुछ क्रॉस में है, थोड़ी सी क्रॉस में है, जो एक तो इसके नीचे वो लुंडी निकल आई है और एक ऊपर से पूछ से गोल है, पूछ से गोल है, थोड़ी सी क्रॉस में है ये। दूध गाय ना बीमार होगी ना कुछ होगा इसको, ये गाय दूध वाली गाय है। कहते हैं जो क्रॉस है इसको बीमारी कम लगती है। हाँ लगती है, बिल्कुल सही बात है क्रॉस। अच्छा बच्चों से एक बात बताओ कि आप किसानों को, ये फार्मरों को आपका अनुभव है, क्या क्या बताएंगे, ये जो गाय जो है ब्यांत तोड़ जाती है कई बार, तो कैसे उसका रखरखाव करें कि ब्यांत ना तोड़े? अब जैसे भाई अपना तो भरपूर कोशिश करेंगे, दवाई से, कैल्शियम से, मिनरल से, ये सब देंगे दवाई वाई, और हम तो मनाएंगे ऊपर वाले की कि जो है ऐसा ना हो, टाइम से बच्चा दे दे और टाइम से गाय जो है ककड़। इसके लिए खुराक में भी कुछ दुरुस्ती करनी पड़ती है? एकदम भाई, मिनरल देना पड़ेगा, कैल्शियम देना पड़ेगा, ढंग से खाना पीना इनको खिलाना पड़ेगा। अगर खुराक सही रखेंगे फिर ब्याज नहीं तोड़ेगी? हाँ, खुराक जब ढंग से रखेंगे तो जो है ब्याज नहीं तोड़ेगी। अब पता चला हम लेकर गए, कल से खाना पीना नहीं दिए, इन लोगों का भोजन उतना पर्याप्त नहीं मिला, तो जो है का ऑटोमेटिक है, गाय है जो है कमजोर हो जाएंगी, तो बियाने में दिक्कत होगी, लेट भी आएंगी या तो नहीं भी आएंगी, ये भी हो सकता है। हमने ये देखा ना कि लोग जब गाय खरीदने के लिए आते हैं तो उनके साथ कोई आता है लेने के लिए, तो हम उनसे पूछते हैं भाई तुम्हारा अनुभव है, वो कहते हैं नहीं हमने तो अभी शुरू करना है। तो मैंने कहा फिर कैसे करोगे? कहते ये बताएंगे हमको, और हमको पक्का पता है कि वो आदमी जो है उनको 5-7 हजार में रगड़ जाता है, और चाहे जितना मर्जी अपनापन कहते रहे, सही बात, और बाद में जाके बात सच साबित हो जाती है जब वो आदमी बेचारा धोखा खा जाता है। धोखा खा जाता है इनको जी, पता क्या है, इनको अनुभव है, इन्होंने 20 साल पहले फार्म चलाया हुआ है। अच्छा, इनको सब पता है, इनके साथ जो भाई साहब है इनको पूरा प्रॉपर पता है, इन्होंने 20 साल पहले फार्म भी चलाया, इनको पता है रख रखाव कैसे है गाय का, इनको समझाया भी है इधर मैंने, ये इनको आप ही पता है मैंने क्या समझाना है। इन्होंने अपनी गाय देखी है, जो गाय नहीं लेने वाली थी उन्होंने छोड़ी भी है, 7 दिन लगा दिए जी 10 गाय लेने में। अच्छा, फिर तो गाय एक एक करके दो दो करके ली है, तो ये नहीं है। विलेज से कितनी दूर है आपका? 25 किलोमीटर है। 25-30 किलोमीटर। तो शायद खेती कितनी है आपकी? खेती हमारे पास है 30-35 बीघा। 30-35 बीघा। तो दूध क्या रेट बिकता है? दूध तो मान के चलिए 35 रुपया। अच्छा, अमूल डेयरी खुला हुआ है। अमूल को जाता है? अमूल को जाता है, जो है पराग डेयरी भी खुला हुआ है। अच्छा, दोनों रेट में फर्क है? नहीं नहीं, वही 2 रुपया 1 रुपया रख फर्क है। अच्छा, कोई बहुत फर्क नहीं है। पेमेंट किसकी बढ़िया है? पेमेंट तो दोनों की बढ़िया है, दोनों की बढ़िया। हाँ, कब की लगी है यार? ये कंपटीशन चल रहा है ना, अब अमूल खुल गया है तो पराग में उसमें और प्राइवेट 2-3 खोले हुए हैं। अब पहले तो पराग था तो अपने मनमानी करते थे। अच्छा, अब तो जो है ककल जला हो, जब से अमूल आ गया है और तनिक 2-3 डेयरी और आ है, उसका नाम हमको नहीं मालूम है, तब से पराग भी जो है अपना जो है सिस्टम से जो है दूध ले रहा है, लाइन पर आ गया, फायदा हो गया फार्मो। हाँ, फार्मो को फायदा। 28 नंबर बच्चू सिंह जी। जी, तो क्या उम्मीद करते हैं दूध की? इससे भी उम्मीद यही करते हैं कि 35 लीटर से कम दूध नहीं देगी। संभाल लोगे? हाँ, गैया तो संभाल लेंगे सब हम। अच्छा, सब ऊपर वाले की देन है। अच्छा, जो ज्यादा दूध देती है ना फिर वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। नहीं नहीं, देखिए मतलब कि जो मैं गाय लिया हूँ, मैं गाय देख करके लिया हूँ जो है कि उसका थन किस किस्म का है। अच्छा, मतलब बहुत थन जैसे गाय की होती है, नीचे गोला में लटक जाती है। हाँ हाँ। वो गाय नहीं लेना चाहिए। अच्छा। जो गाय पाछे से मतलब पूरा भर करके आगे तक भरा रहे, कॉम्पैक्ट एकदम, हाँ वो गाय लेना चाहिए जो है। उससे क्या होता है कि वो गाय समर जाएगी, 35 लीटर 30 लीटर दूध देगी। हाँ। तो गाय समर जाएगी। हाँ। और जो गाय जो है लटक जाएगी, लटका हुआ वो नहीं, वो नहीं लटका होता। अच्छा, आपके यहाँ भी आवारा घूमती है? अरे आवारा तो इतना घूमती है कि कहने वाली बात नहीं। सरकार नहीं कुछ करती? सरकार कुछ नहीं करती है, एकदम सबका फसल वसल सब नाश कर दे रही है, सब किसानों का नुकसान ज्यादा। हाँ, तमाम जो है ककल जला हो, गांव में
गाय के अथवा खुलवाए हुए है सरकार, उसके बाद भी आवारा जो है बछवा उछवा सब टहरती हैं, घूमती हैं। तो इतना टैक्स लगाते हैं गौ टैक्स जो है, फिर उसके बाद भी गौशाला नहीं चलती। नहीं, गौशाला ढंग से कुंवर पानी नहीं करते होंगे, ढंग से राशन और लेते भी नहीं है, तो अपना जिसका मन होता है अपना छोड़ देते हैं, रात को ले जाकर के 12 बजे रात को रोड पर छोड़ देते हैं, अपना नुकसान करना चालू कर देती है छोटे छोटे बच्चों। कई बार मैंने देखा ना कि गाय ठीक होती है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं भंडर समझ के, और बाद में वो भी आ जाती है। ओ अंकल क्या है, जैसे किसी ने केयर नहीं की अच्छी तरह, वो बाहर छोड़ देते हैं अपनी नॉन प्रेग्नेंट समझ के, वो बाहर घूमती घूमती कोई सांड चढ़ गया, कोई हीट में आई होती है, वो कई नहीं देखते हीट में आई हुई गाय तो अपने बाहर ही प्रेग्नेंट हो जाती है। अच्छा इसका क्या दाम लगाया फिर? ये 1,17,000 के लिए जी। 1,17,000 की? नहीं नहीं 17,000 की। 1,17,000 की? तो इसमें ऐसी क्या खासियत है? ये आप मान के चलो ली तो 5-4 हजार महंगी है। हाँ। ये कलर पे और वजन पे और फार्म, जिस फार्म से ये बछड़ी ली है ना, ऊंची दुकान होगी, ऊंची दुकान मान लो चाहे फार्म का रिकॉर्ड है। अच्छा। और जो फार्म की गाय है ना उधर फार्म से कोई 30-35 लीटर से गाय कोई कम नहीं है, पहले ब्यात में 30 लीटर गाय देती है उधर। ये कौन सी ब्यात की है? ये दूसरे ब्यात में 6 दांत है जी। अभी 6 दांत है? 6 दांत है। दे देगी 30 लीटर से ऊपर? ये 35 लीटर देगी जी दूध। दे देगी बड़े आराम से? नहीं तो तुम हमसे कहते हो कि हम दिखा देंगे। हाँ जी। बच्चों से क्या ले चलोगे? चलेंगे जी अपन, चलो जाना ही है अपन ने उनके यहाँ बनारस। अच्छा। तब तक इनकी गाय भी 2-4-5 ब्याह जानी है। ये बड़े सख्त आदमी लेते हैं, बांध के बैठा देंगे। ये अगली आई, कौन सी ब्यात है इसकी? ये दूसरे ब्यात में 6 दांत है ये भी। बच्चों से आप बताओ आपका अनुभव क्या कहता है? ये भी तो हमारा आंकड़ा है कि 30 लीटर दूध देगी। और कब तक ब्याह है इसकी? ये भी 15 दिन में बच्चा दे देगी। 15 दिन में दे देगी? ब्रीड है? हाँ ब्रीड है जी। तो रोहित क्या दाम फिर इसका? ब्रीड वाली गाय है ये, चलो बोलते हैं 30 लीटर। 30 से ऊपर चाहिए? ये देगी 35 लीटर के ऊपर दूध। अच्छा तो दाम क्या? मालिक ने तो 40-45 बोला है, अपन ने 35 लीटर मान के। चलो देखते हैं मालिक की बात। और जिससे लिया उसने बोला है, हाँ। अपन ने 35 लीटर मान के। 35 दे दे तो भी। हाँ। ब्रीड वाली गाय है कल, आपको पता ब्रीड बच्चों वाली से पार्टी कर देंगे, फिर कर देंगे ना एकदम कर देंगे। मैं बोल दिया इनको जो गाय ले ही है ना सब गाय, इनको ये बोला 30 की एवरेज मान के चलो सब गाय। इसका दाम क्या है? ये बोनी की थी लास्ट नवरात्र में जब आए हैं, फर्स्ट राउंड पूरे पूरा घूमे, कोई गाय पसंद नहीं आ रही थी। ये गाय ये अंदर घुस गए तबेले में, जाता नहीं हूँ मैं उसके, ये अंदर उसके तबेले में घुस गए, तो इन्होंने गाय जाके पसंद कर ली। अब मैंने कहा चले गए हैं तो जाना पड़ेगा, अब ये सोचे नहीं जाते क्यों नहीं पता नहीं क्या चक्कर है, चले गए। उसने मोल मांग लिया 2,20,000। फिर हम चले गए आगे जी, 2,20,000। 2,20,000 इसका तो कोई बाहर से आया हुआ नया आदमी कैसे रुक जाएगा? वही तो बात है, 2,20,000 मांगा उसने। मैंने इनको इशारा किया और पांडे जी साथ में थे पाठक जी, मैंने कहा उनको बाहर आओ, मैंने कहा इधर नहीं सौदा बनना, आ जाओ साथ में। फिर दोबारा हम घूम घूम के आ गए, एक जगह हमने 3-4 गाय का 4.5 लाख रुपए लगा दिया। वो बंदे ने दी नहीं, वो 6 लाख बोल रहा था। उधर हमारा 5 लाख तक का आंकड़ा था। वो गाय भी थी पूरी 40-40+ वाली थी, एक गाय भी आई हुई थी। अच्छा। उधर से घूम के आ गए वापिस, फिर उधर उधर बंदे को उतारने लगे, फिर आवाज मार के उसने गाय दी, आ जाओ। हाँ। हमने लगाया 1,15,000, फिर 20,000, ये गाय ली है 1,30,000 की। 1,30 की लगी। दूसरी ब्यात है? दूसरे ब्यात में गाय ब्रीड वाली है, गाय दूध भी देगी। ये सेवा बच्चू सिंह जी पता, जैसे इन्होंने इनका पोता भी है जो उसको सारी पोता। हाँ। कितनी उम्र है बच्चू सिंह? उसका 30 साल उम्र है। आपकी? नहीं, हमारे पोते का। अच्छा अच्छा। नाती लगता है। हाँ नाती लगता है। और वो यूट्यूब पर हर समय देखता है। हाँ। उसको पूरी नॉलेज है, पूरी नॉलेज है। इनसे कॉन्टेक्ट, इनसे बातचीत करता था जो है कि इस तरीके का गाय जो है खोज करके सब दीजिए जो है, और भगवान कृपा से हम भी डेयरी भाई पहले चलाए थे
और देख देख करके अपने हिसाब से छांट करके सब गैया जो है लिए हैं। चलो अब ये लाइन पे आएंगे तो हम जरूर आएंगे देखने के लिए। नहीं नहीं मैं छांट करके गैया सब कि ले चले तो कम से कम, देखिए एक बार बता दें डेयरी में क्या है कि 15 लीटर 12 लीटर 14 लीटर की गाय लेकर चलेंगे, भूसा उतना खाएंगी, दाना आपको देना है, कैल्शियम देना है, मिनरल देना है, तो 3 किलो राशन देना है, तो हम 1 किलो बढ़ा करके क्यों ना जो है 20 लीटर 30 लीटर वाली गाय ले चले 35 लीटर वाली, तब आपको डेयरी में कुछ पता चलेगा कि नहीं कुछ पैसा निकल रहा है। और जब 15 लीटर 14 लीटर 12 लीटर भी गाय लेकर चलेंगे जो है डेयरी में, तो आप डेयरी में प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। भाई आप लोग बच्चों से इनकी इस बात पर गौर करना, बहुत महत्वपूर्ण बात कर गए ये कि खर्चा उतना ही होना है, बस थोड़ी सी सोच बदलना है। थोड़ी सोच बदलनी है और थोड़ा सा भाई हम कह रहे हैं 2.5-3 किलो राशन देना है 15 किलो गाय को टाइम का, तो 8 किलो देना है, 1 किलो 1.5 किलो टाइम का बढ़ जाएगा तो कम दूध बढ़ जाएगा कम से कम उसका दुगुना। हाँ दुगुना भाई, 15 कहाँ 30 कहाँ 35। इनको नॉलेज है अंकल पूरी, ये घुमा अगली घुमा। बच्चों सिंह जी कौन सी ब्यांत की है ये भी जो है दूसरा है। दूसरा जी दांत, दांत 4 दांत का है ये, 4 दांत है अभी 6 के कर रही है, शुरू कर रही है, तो कब तक भी आएगी ये? अभी 25 दिन बाकी है इसके। बड़ी गोल है, पूरी वजन वाली गोल है, ब्रीड भी है पूरी। दाम क्या है ये? जोड़ा लिया जी 2,10,000 का। 2,10,000 का, मतलब 1,5 की माने या 1,00,000 की माने? नहीं ये 1,10,000 की मानो, वो 1,00,000 की मान लेना। इसको इसको ज्यादा माने? हाँ वो थोड़ी ब्लैक कलर में है, वो पूरा ब्लैक कलर है उसका, दूसरी वाली का तो नस्ल में है वो भी। अच्छा पहले जोड़े वाली में हुआ, तो कितना दूध दे देगी बच्चे से ये? ये भी जो है काका 30 लीटर से कम दूध तो नहीं देगी। 30 से देगी, मतलब आप जो सारी एवरेज 30 की रख के चल रहे हो? हाँ हमारी सारी एवरेज जो है गाय की 30 की चल रही है। ये गाय हमारे भाई साहब ने खरीदवाया है, वही लास्ट वाली। अच्छा मैंने नहीं खरीदवाया, पसंद इन्होंने की थी। अच्छा ये बताइए कि आप तो मेरा ले रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी भाई जैसे गाय वो खरीदाती होंगी तो आप आते होंगे अपने सिस्टम से, तो हमारी गाय आपको कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया गाय, अच्छी है गाय। आपका जो है अनुभव ठीक लगा। ये काली वाली आई जी, एक हमारा अनुभव भी हमको बताना कि कितना सही है। हमको ये गाय दूध वाली लगती है, हमको भी लगती है 25 और 30 के बीच में, एकदम सही बात है। लेकिन हमको इसकी मिल्किंग करके भेजना, निश्चित भेजेंगे। हाँ और ताकि लोगों को दिखा सकेंगे कितना अनुभव है आपका और हम लोगों का, और लोग भी समझ जाएंगे। नहीं नहीं निश्चित भेजेंगे निश्चित। कौन सी ब्यांत है ये? ये दूसरे में, दूसरे में है। दांत 6 तो क्या दाम लगाया इसका? ये जोड़े वाली है, उसके जोड़े की है। तो हाँ 1,00,000 की माने इसको। हाँ जी 1,00,000 की माने। दे देगी दूध तुम्हारे हिसाब से? हम जितना बोल रहे हैं आराम से देगी 30 तक। ये ब्रीक चमड़ी की गाय है। हाँ चमक है और ब्रीक है, ब्रीक है गाय, और इन्होंने पहले ही जाते ये जोटा पसंद किया था, ये गाय को अच्छा लगा। बच्चों सिंह जी एक शरीर की चमक को ना हम तंदुरुस्ती से जोड़ के देखते हैं, सही है? जो तंदुरुस्त होगी वही चमकेगी, होता है सर? नहीं नहीं ऐसा होता भी है। हाँ। और ये भी गाय जो है काला में है जो है, इसमें लाइट थी, इसकी चमड़ा पतील थी। हाँ। इसका नस उस विधवते इसका थन उन देखे जो है। हाँ। तो हमको आंकड़ा है कि ये गाय 30 से कम नहीं, ऑर्डर वाली है, ऑर्डर वाली है। अभी 25 दिन बाकी है जी इसके भी। 25 दिन बाकी है। आपने अपनी सेहत के मुताबिक दी है सारी भारी भारी देख करके? मैंने शरीर भारी भारी देख करके इस नाते लिया जो है। हाँ। कि पहली बात तो ब्रीड का गाय मैंने लिया। हाँ। और मैंने ये सोचा जो है कि गाय तंदुरुस्त नहीं रहेगी तो ट्रक पे लद के जाएंगी, 2 दिन 3 दिन रास्ते में रहेंगी, और जा करके और जब तंदुरुस्त रहेंगी गाय तो दूध भी देंगी और अच्छे नस्ल की भी गाय है। इस नाते जो है मैंने इसको जो है लिया जो है। बनारस कितना पड़ जाता है यहाँ से? 1,000 किलोमीटर? हाँ यहाँ से 1,000 किलोमीटर तो पड़ ज़्यादा पड़ जाएगा, 1,100 कुछ 1,100।
तो ये दे देगी 30 से ऊपर? 30 से ऊपर जाए, ये 35 से कम दूध इसको नहीं देना। कौन सी ब्याह था ये? ये दूसरा है। दूसरा है ये इसका क्या दाम लगाया तुमने? ये 6 दाम था। ये 3 गायें ली है जी इकट्ठी। इसका क्या माने? ये लिए 3 गाय 3,25,000 की जी। इसको कितने की माने? ये मान के चलो जी 1-10 के आसपास की। ये फार्म की है? फार्म की, आम किसान की तो नहीं है, बड़े फार्म की है। बड़े फार्म की है। और फार्म की गाय हमने देखा कि आपको सस्ती नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी गारंटी ज्यादा होगी, क्यों उन्होंने बैलेंस खिलाया होता है, उनका सारा फार्मूले बने होते हैं और उनका रख रखाव बढ़िया होता है। और जहां देखा ना कि सहकर्मियों के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं लोग, खुद ध्यान कम देते हैं, तो साइले समस्या वही बन जाती है, कभी वो गर्म डाल देते हैं ताजा ताजा, तो वो जो है टॉक्सिन पैदा कर देता है। लेकिन अगर जैसे आप पूरा ध्यान देते हैं, खुराक के टाइम पे रहते हैं मौजूद, तो उसमें जो है बहुत बचाव रहता है। अब तो नए वो आ गए हैं, फास्ट टैग लग जा, वो टैग लग जाते हैं कि वो सब कुछ बता देते हैं कि किसने खाया, किसकी क्या हालत है, चिप लग जाती है क्या, कितना टेम्परेचर कितना है, सब बता देते हैं वो। आजकल फार्मूला ही ऐसे ही आ गए जी सब गायों के जी, उन्हें भी निकाले। तो अब इसका दूध 30 के ऊपर मान के चले, 35 बता रहे हैं बच्चों जी, निकालेगी बड़े आराम से। उसकी वेन देखो, और अभी कच्ची है ये। अच्छा, हमने एक चीज देखी है, जो आदमी खुद खरीदने के लिए आते हैं कोई साथ में नहीं होता है, तो वहां पर कंट्रोवर्सी नहीं होती है। नहीं होती। कंट्रोवर्सी तब होती जब कोई अनजान आदमी किसी के साथ आता है, जहां ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन भी सीधा जो खरीदता है ना अंकल, वो भी सही रहता है, और जो बीच में घुस जाते हैं ना, वो काम खराब करते हैं। अब एक आपने वीडियो देखी हो ना देखी हो, वो एक बंदा एक गाय के ऊपर वीडियो बना रहा है, मैंने ये पंजाब से लाया, वो सेवा उसकी है नहीं, वो सब पंजाब वालों को बदनाम कर रहा था। वो मैंने कहा पंजाब वाले की क्या गलती है, एक बंदे का साथ में नाम ले रहा है वो। नहीं, वो हम वो हम कल दिखाएंगे, वो हम मैंने वीडियो बनाई थी वो। हाँ। उसको कल को वो जो बात वहां पर वीडियो जहां उसने खरीदी है, तो उस समय गाय की क्या हालत थी ये भी दिखा देंगे। हाँ। और वो उस समय क्या कर रहा है ये भी दिखा देंगे। हाँ, वो जो बंदे का साथ में नाम ले रहा है, वो साथ में आया, अब अकेला तू जिसके पास मर्जी या साथ में, ये भी बोल रहा है अकेले जाओ, आप किसी को साथ में मत लेके जाओ। तो फिर तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? तुम क्यों किसी के साथ आए? हाँ, तू क्यों किसी के साथ आया? ये एक बात और, जब उसने गाय खरीदी तो उसी समय उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी, जहां से खरीदी वहां बनाई, और जहां पर हम वीडियो बनाए वहां भी बनाई। तो हमको तभी कुछ डाउट हुआ कि इसकी मंशा जो है ठीक नहीं है, थोड़ा ब्लैकमेलर टाइप लग रहा है बंदा। हाँ। मेरे को जैसे उसने वीडियो बनाई और हमको चैनल बढ़ाने के लिए, हमको फोन करके पूछ रहा था कि आप बड़े हो हमारी सलाह करें। मैंने कहा तुम तो मुझे गालियां दे रहे हो कमेंटों। हाँ। के अंदर तुम्हारे, हाँ, तुमने 4-5 आइडिया बना रखी है, 4 तुमने हमको नाम भेजे हैं कि हम लोग ये लोग कमेंट कर रहे हैं, हमें चारों हमारे खिलाफ कर रहे, हमसे क्या सलाह मांग रहे हो? मेरी वीडियो पे भी कर रहे हैं यूट्यूबर के पास, ऐसे ये वैसे। मैंने आगे से किया, मैंने कहा यूट्यूबर की और पंजाब वालों की गलती क्या है बताओ मेरे को। मैंने कहा तुम सेवा ना करो उधर जाके, उधर कुछ दो ना गायें, मैं क्या वो कुछ और लग रही है, उधर कुछ और लग रही है। मैंने कहा गायें नहीं पहचानी जा रही। कल को कंप्लेन करके दिखाएंगे। हाँ। गाय को यहाँ घूमते हुए दिखाएंगे, वहाँ के भी दिखा देंगे। वो चीज दिखाना आप, अगर डॉक्टर है। हाँ। वो डॉक्टर बोलता है। हाँ। अगर डॉक्टर है तो क्यों नहीं संभाल पाया? नहीं संभाल, सही बात है। यहाँ से जैसी गई है वैसी क्यों नहीं कर पाया, सेवा क्यों नहीं कर पाया, सही बात। अगले आगे बच्चों सिंह जी, रोस में है। ये तो एचएफ की गाय लग रही है, मतलब एचएफ जानकर की इसको लिए है। और हमारा आंकड़ा है कि ये 20 और 25 के बीच में या 25 तक दूध देगी, पहली बछिया है। हाँ। क्या बोलते ये पहले भी आदमी है, पहले भी आदमी है, 20-25 का अंदाजा लगाया ना। क्या दाम है इसका? ये 3 के बीच में लिए। अच्छा, दो दूसरे मित्र में लिए, तीन लिए, 3-25 की। 3-25 तो इसको अकेले कितने की माने बच्चों जी, आप बताओ कितने की चाहिए अकेले? ये 1,00,000 की मान के चलिए। अच्छा चलो, लाग ले लिया। ये अगली आ गई, क्या कहते हैं इसके लिए? ये तीसरी है गाय, उसी में से। हाँ जी, ब्रीड उससे पहले से ज्यादा, ब्रीड ज्यादा है वो, जो पहले नंबर पे दिखाई थी इसकी तीसरी। हाँ, वो भी ब्रीड ज्यादा है। अच्छा, कितना दूध दे देगी?
ये 30+ वाली है जी। बच्चू सिंह मानते हैं? पूछो जी हमसे। नहीं, हमको भी 30 से कम नहीं देगी। अच्छा, तो 30, 3, 25 की है तीनों ब्रीड वाली गाय। और रमेश जी इनको पसंद है? पापा ने आपसे देखी गाय, इनसे पूछो। वो सेटिस्फाई है, पूरी पसंद आई है। तो तुम गलती होगी तो उनकी बदनामी भी तेरी होगी। उनको भी पसंद आई है सब। जो इनके साथ बंदे आए थे उनको भी पूरी नॉलेज, 100 गायें रखी है उन्होंने, ठीक है जी। अच्छा। जो ले रहे हैं उनको भी पूरी नॉलेज। मैंने इनको कोई ये नहीं बोला ये वाली गाय ले लो, ये दोबारा आएंगे पूछो उनसे। बच्चों से दोबारा आएंगे इनके पास? जम आएंगे। चमक बड़ी है, चमड़ी पतली है, हाइट बहुत है। ब्याद कौन सी है? ये लोग तो बोलने को बोल दे, पहले बेहतर है, दूसरे ब्याद में चार दांत है। चार दांत है, दूसरे छह दांत कर रही है पूरे। 25 लीटर दे देगी? नहीं, मैं इनको 20 लीटर बोल के लिए। कितने की? ये 82,000 की ली है। 20 लीटर? हाँ, ली तो इनकी पसंद से है। मैंने इनको नहीं, यही पूरा पूरा जो गाय खरीदे हैं, अकेली है इनकी, अकेली है इनकी पसंद। तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। मैंने इनसे बार बार कहा। हाँ, मैंने जब 3 जोड़ा खरीदा था और इसके बाद ये कहे कि यार इसको भी ले लो, 20 लीटर कम दूध नहीं देगा, तो हम क्या आपकी इच्छा तो चलो एक तुम्हारे नाम से ही ले लेता हूँ। हमें बता देना, हमको बार बार ढकेल रहे कि ये तुम्हारे मन से। हमको बताना जो इसका रियल, नहीं इसका हम बताएंगे। एक बार हमने देखा वो जो वीडियो की तुम बात कर रहे थे, तो उसमें जो बार बार कह रहे ना कि पंजाब पंजाब पंजाब, उससे मुझे ये शक पड़ता है कि यो किसी के धक्के चढ़ गया और उसको कोई ये बात करने के लिए ना पंजाब के। हाँ, बुलवा रहा हरियाणा का नहीं, कहीं और जगह का। हरियाणा का ही। हाँ, तो है हरियाणा वाले जो बुलवा रहे हैं, वो बुलवा रहे हैं। हम उनसे ये कहना चाहेंगे भाई अपना काम सुधारो, दूसरे की बदनामी ना करो। अगर एक दूसरे की करने लगे ना, न तो न तुम पार होगे ना वो होगे। सही बात, इसी काम में लग जाओगे खाली, सबका ही फिर बंद हो जाएगा। हाँ, करने बंद तो एक बंद तो किस्मत से होना है, लेकिन ये है कि बराबर पलड़ा बराबर हो जाएगा। बदनामी भी नहीं है कि इधर से वो करेगा। और जो करवा रहे हैं उनको भी हम जानते हैं, जो करवा रहे हैं हम जानते हैं उनको। अब नहीं मानेंगे फिर नाम भी लेना पड़ेगा। सही बात है। और मैं क्या वैसे कहते हैं कि लगा लो जोर जोर लगाना भाई। बोली जाए और बहुत बोलते हैं जी कमेंट पे भी, अब वीडियो में वीडियो बनेगी उसमें पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करेंगे। करने दो, जितने कमेंट करते हैं करने दो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। चलो नमस्कार। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।